तो अपन अब नीचे वाला पार्ट करते हैं। तो HB पेंसिल लो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे लिप्स के ऊपर ही थोड़ा सा एक एरिया छोड़ा था ना अपन ने, लिप्स और मूछों के बीच में, ये यहाँ यहाँ एरिया है ना, पूरा फिल कर दो HB से। लेकिन अब गलती क्या करोगे, फिल करने का मतलब कलर करने बैठ जाओ, वो नहीं करना, आराम से शेड करो, ठीक है, धीरे धीरे शेड करो। स्मूथ करना, देखो बीच में क्या होता है, लाइंस दिखने लगती है, इधर से ला इधर से ला, वो लाइंस की भी दिखती होनी चाहिए। इस तरीके से अपन ने ये किया। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसे भी करो, देखो स्मूथली शेड कर रहा हूँ मैं, आराम आराम से, तुम लोग को भी ऐसे करना है। अब एक बार ध्यान देना, अपनी रेफरेंस में अलग अलग जगह हाईलाइट यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है। अब अपने पास ये टाइप्स ऑफ हाइलाइट्स हैं, वो अपन ऐसे नहीं कि अपन इरेज कर देंगे बना के, अपन उस तरीके से छोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, इसे ऊपर तक लाया अपन ऐसे यहाँ तक, अब यहाँ से अपन इस तरीके से लाएंगे, इसे लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे शेड। तो अपन को देखना है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जैसे यहाँ वाला यहाँ तक है, ठीक है, तो यहाँ तक है मेरा शेड, तो मैं यहाँ से आराम से करूँगा, थोड़ा और आगे कर दूंगा इससे, इस तरीके से करते करते मैं नीचे लाया, ठीक है। ये वाला जो था ना सर्किल लाइन, उसमें रुका मैं। अब जरा यहाँ देखो, ये हाईलाइट यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईब्रो से थोड़ा उठ रहा है, ऐसे आएगा ये, तो ये मैं ड्रॉ करने की जगह तुम लोग शेड करो, कैसे यहाँ आते आते अपना हाथ ऐसे ही रुक जाना चाहिए, तो एक बॉर्डर टाइप बन रही है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये थोड़ा और आगे तक जा रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा और आगे तक जाएगा, थोड़ा नीचे नीचे भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा और आगे तक हाईलाइट से इतने एरिया में, तो ये देख सकते हो। अब एक बार ध्यान रखना, हल्का सा अपन को शेड दिख रहा है, वो हल्के से, शेड का मतलब क्या होता है, HB पेंसिल से किया है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने छोड़ दिया, ये पूरा हिस्सा फिल है, ठीक है, और इस वाला यहाँ तक आ, मतलब यहाँ तक आ, ये थोड़ा ऊपर ऊपर से ज्वाइन होगा, ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, तो हल्का हल्का यहाँ, ये भी जो थोड़ा सा हिस्सा छूटेगा, ठीक है, तो ये हल्का हल्का यहाँ ज्वाइन हुआ, ठीक है, थोड़ा एक पतली सी लाइन से ऐसे यहाँ ज्वाइन हो गया, हल्का सा थोड़ा सा हिस्सा ही छूटा है, क्योंकि ये अपन को पता है, अपन को जितना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ही छूटे, ताकि ब्लेंडिंग के बाद वो स्मूथ तरीके से शेड हो, मतलब सॉरी, शेडिंग के बाद स्मूथ तरीके से ब्लेंड हो। ये हल्का हल्का थोड़ा अपन यहाँ किया, बस ये वाला एरिया और ईयर्स, तो ईयर्स तो क्या है, जैसे लेफ्ट साइड वाले हैं, राइट साइड वाले, इनको ऐसे पूरे शेड कर दो, ठीक है। ये वाला जो एरिया आ जाता है, इसे जरा अच्छे से करना है, ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे कहीं भी डायरेक्शन में करना है, इसे अगर वर्टिकली ले जा रहे हो तो आराम से वर्टिकली ही करना, ये पूरा ऐसे ऐसे फिल कर दिया अपन ने, स्मूथली करो, देखो जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, ईयर्स आता है, ईयर्स पे आराम से करना, स्मूथली शेडिंग करोगे तो आराम से ब्लेंडिंग भी होगी, जो जो एरिया थोड़े रफ से लग रहे हैं कि यहाँ शेडिंग का, मैं वहां से तरीके से शेड दे दूँ, और ये अपनी फर्स्ट लेयर हो जाती है शेड, इतना करो। ब्लेंडिंग अपन ब्रश से कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आई वाला एरिया होता है, उसमें अपन ऐसे नॉर्मली कर्व में करो, ठीक है, धीरे धीरे अपन कर्व में करेंगे। नीचे वाला हिस्सा आप देखो, बॉर्डर पे मैं बताता हूँ कैसे करना, जैसे ये किया, अब यहाँ ये बॉर्डर कहलाती है हाईलाइट और शेड की, तो वहां गलती क्या करते, एकदम छोड़ देते हैं, वहां क्या करना है, ऐसे सर्कुलर चलो, हाईलाइट थोड़ा बॉर्डर पे आएगा, थोड़ा शेडेड वाले पोर्शन पे आएगा, थोड़ा लाइट हाईलाइट पे आएगा, थोड़ा डिफाइंड, इस तरीके से अपन ले जा रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर पे ऐसे सर्कुलर चलो, उससे क्या होता है, जैसे यू शेप में चला लो थोड़ा, तो हल्का हल्का ग्रेफाइट आ जाता है इसमें, तो जो हाईलाइट चाहिए होता है, जैसे हल्का सा ओपन तो आ रहा है, वो अपन को दिखने लगता है, थोड़ा इसमें एफर्ट लगता है,
लेकिन सर्कुलर बहुत ज्यादा नहीं चलाना कि पूरे हिस्सा भर जाए, हल्का सा भर के चलाना। फिर ये वाला हिस्सा आ जाता है, इसमें भी ऐसे सर्कल्स में चलाओ, ऐसे ईयर्स हो गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जगह ऐसे सर्कुलर शेडिंग करो, ब्लेंडिंग, सर्कुलर ब्लेंडिंग करो। जैसे यहाँ पे भी है, दाढ़ी वाले पोर्शन में ऐसे नहीं की शेडिंग ब्लेंडिंग नहीं कर सकते, करो बिल्कुल करो, इस तरीके से ब्रश यहाँ चला लो, स्मूथ होना चाहिए, अभी नोज पे मत करना, ठीक है। ये अपना ब्लेंड हो चुका है और ये ब्लेंड नहीं हुआ है, तो डिफरेंस देख चुके। सेम चीज यहाँ करेंगे, इसे कर्व करेंगे अपन, पहले देख लो मैं कैसे ब्लेंड कर रहा हूँ, फिर कर लेना, सफिशियंट टाइम मिलेगा। नीचे वाले एरिया पे जैसे मैंने बोला इसे कर्व करो, ठीक है, और फिर यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर पे आराम आराम से सर्कुलर ब्लेंड कर लीजिए, ऐसे कर्व करते गए। एकदम पूरा नहीं भर देना, वैसे हाईलाइट छोड़ना, दिखना चाहिए कि हाँ सीधा हुआ है। जब अपन और डार्क लेयर्स करेंगे तो उससे और भर जाएंगे। ये ऊपर का हिस्सा जो था अपना आईब्रोज के बीच वाला, इसे भी ऐसी सर्कुलर करो, तो फोरहेड में बताता हूँ, नोज देखो, नोज पे क्या है अपन ने इतना कर लिया, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, वर्टिकली करते करते अंदर की तरफ, ठीक है। अभी ये गैप बहुत वाइड लग रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने पास अभी दो से तीन लेयर है, फर्स्ट की लेयर है, नीचे नीचे बेस पे आते आते ऐसे सर्कल्स पे चलाते गए, ठीक है, ताकि हल्का हल्का होता है। सेम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे होगा, आराम से बीच में लाते गए अपन। देखो रफ नहीं करना है, भले ही टाइम लगे ब्लेंडिंग में, लेकिन रफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ वाले पे आता है, तो हर जहां तुम्हें डायरेक्शन समझ में नहीं है वहां सर्कुलर चलाते, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन ये है, ये लाइन नहीं होनी चाहिए, इस पे अगर लाइन बन गई हो तुम्हें ऐसे सर्कल्स में चलाओ ऐसे, ताकि क्या हो, ये ब्लेंड हो जाए आसपास वाले एरिया में, ब्लेंड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सर्कल्स पे चलाते जाते थोड़ा आगे लाए, ये बॉर्डर के पास आ गए ऐसे अपन, ठीक है, ये हाईलाइट वाले रीजन के पास आते जा रहे हैं अपन, तो वहां पे सर्कल्स में चलेंगे। ये बीच में जो हल्का सा एरिया था ना, जैसे ये वाला हो गया मतला सा, तो ये किया, ऐसा नहीं कि इसे ऐसी करके छोड़ देंगे, इसके भी ऐसी सर्कल्स चलाएंगे अपन। देखो टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आराम से करना, और फिर बाकी का फोरहेड अपन आराम आराम से कर देंगे। देखो हाईलाइट जो है अपने दिखना चाहिए कि इधर पे है, इधर पे है, इधर पे है, नोज पे है, ऐसा नहीं कि फिल कर दिया अपन ने, ठीक है। तो इस तरीके से अपन फर्स्ट लेयर ब्लेंड कर लेते हैं, तुम्हें तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है करने में, इसलिए आराम से करना। अब अपन को बनाने आईब्रो, तो आईब्रो का अगर अपन प्रिकॉशन में शेप देखें तो स्टार्टिंग में थोड़ी ऊपर आ रही है, फिर पीछे की तरफ ही आने लग रही है सारी, ठीक है, ये स्टार्टिंग में ऊपर है फिर पीछे ही आने लगी, तो अपन वैसे ही करेंगे, थोड़े आगे पे करते हैं। एच पी से अभी बहुत डार्क नहीं बनाना, मैकेनिकल पेंसिल से कर रहा हूँ, एक बेसिक लेयर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये पीछे की तरफ आने लग गई है, तो मैं भी वैसे ही करना है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि एकदम पास पास भर दो, थोड़ा गैप देके भी बना रहे हो अगर, तो अपन को एक बेसिक शेप देना है, प्रैक्टिस में कर देना अपन इस तरीके से, हल्का सा थोड़े एक दो बाल पीछे से आगे की तरफ आते हुए। सेम चीज़ यहाँ होगी, ये पीछे की तरफ जाते हुए बाल आएंगे, कर्व रखना है ये स्ट्रेट लाइन की जगह, ठीक है, गलती वही करोगे, कर्व की जगह स्ट्रेट लाइन बना दोगे, ठीक है। इस तरीके से आईब्रो हो गए, तो देखो जरा यहाँ पे क्या, ये जो हिस्से जो दो जा रहे हैं जैसे ये और ये कहाँ आ रहे हैं, ये तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है, हल्का से ऐसे बना लो, दिमाग में रखो, मैं भी ड्रॉ नहीं कर रहा, यहाँ पे ये जो है ये हल्के से खाली रहेंगे, अब तुम्हारा मेन एरिया है ये और ये, तो तुम्हें कैसे लाना है, डायरेक्शन अभी तुम्हारी होगी नीचे की तरफ, तुम्हें ऐसे थोड़े ऊपर से एकदम नीचे तक नहीं लाने, तुम्हें ऐसे छोटे छोटे रखने, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहे, ठीक है, और एकदम लिप्स पे नहीं लाने, तुम्हें ये जो बॉर्डर है ये मेंटेन करके रखनी है, तुम्हारे बाल जो आने चाहिए इधर से स्टार्ट तो हो रहे हैं,
होती है इस तरीके, देखो कुछ राइट साइड फेसिंग कर्व है, कुछ लेफ्ट साइड फेसिंग कर्व है, लेकिन वो अल्टीमेटली नीचे की तरफ डायरेक्शन में आ रहे हैं। और ऐसे बहुत घने भी नहीं कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब ये जो कर्व, ये हो गया मेरा यहाँ पे, अभी जो कर्व था ये वाला कर्व था, मैं इसे थोड़े लेफ्ट साइड से चालू करूंगा। नहीं बीच में मैंने एक आध दो बाल आ सकते हैं इसमें, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी 10वीं से लेयर दूंगा फाइनल, उससे भी कवर हो सकता है। तो इस तरीके से देखो इधर पे क्या है, नीचे की तरफ है, यहाँ वाली डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ आने जा रही है। तो यहाँ तक ऐसे कर्व में, यहाँ पे ऐसे थोड़े स्ट्रेट नीचे की तरफ आने, ऐसे कर्व करते हुए यहाँ तक आए। देखो ये एकदम बॉर्डर मत समझना अपनी, ठीक है, कि यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन दिखे होनी चाहिए। अब यहाँ नीचे की तरफ आने लग गए लेफ्ट साइड, तो यहाँ से क्या होगा, थोड़े से स्ट्रेट से आने लगे। ऐसे नहीं कि एकदम से स्ट्रेट कर दिया, नीचे नीचे ये कर्व आए, ठीक है, कर्व को थोड़ा कम स्ट्रेट किया मैंने, मतलब थोड़ा कम कर्व किया, थोड़ा और स्ट्रेट किया, ऐसे धीरे धीरे ये स्ट्रेट आने लगे। लेकिन इतने भी नहीं है कि एकदम तुम लोग स्केल जितनी स्ट्रेट लाइन, हल्के हल्के, तो यहाँ पे एकदम ही कर्व से, ये उतने कर्व नहीं है, ठीक है, अभी भी है लेकिन नीचे आ गए यहाँ पे धीरे धीरे, बस यहाँ ज्वाइन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट छोड़ा था। तो देखो यहाँ पे अभी कर्व था, कैसे लाने हैं तो अपन रेफरेंस में देखेंगे। तो रेफरेंस में कोई भी बाल इधर ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आ गया, सब कैसे हैं, इतने इतने। तो मेरे को मूवमेंट देखो कुछ ऐसे एकदम, वो नहीं है कि एकदम पूरे यहाँ से यहाँ, जैसे अपन आईब्रो या बालों में ले जाते हैं कि यहाँ से यहाँ कर्व, मुझे पता है कि नीचे आने चाहिए, ऐसे नहीं कि ऊपर भागा दिए कर्व, ऐसे अल्टीमेटली वो नीचे ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़े डायरेक्शन चेंज कर दिया, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मतलब वो स्टार्टिंग गए राइट में, तो कर्व करके नीचे आ रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो धीरे धीरे अब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से ऊपर से और नीचे आ गया, बहुत ऐसे मुझे भरना नहीं है कि मैंने एक ही जगह पर कीचड़ मचा दी है, वो नहीं करना है, अपन को थोड़ा गैप रख के करना है, क्योंकि अपन इसे ब्लेंड करने के बाद 10B की लेयर डालेंगे एंड में, अभी नहीं। ये देख सकते हो रेंडमली जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो नीचे आ रहे हैं। अब ये वाला पोर्शन जो रहता है क्रूशियल रहता है, क्योंकि तुम कहीं पे भी नहीं कर सकते, इसका शेप देखो कैसे ये है, तो तुम्हें विथ द शेप मूव करना है। अभी नॉर्मली धीरे धीरे आ रहे हो, ये ऊपर से आए, ये नीचे आए, ठीक है। अब ये जो आया तुम्हारा, ये इधर की तरफ जाएगा ऐसे, ये तुम्हारा इधर की तरफ जाएगा, ये देख रहे हो, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये वाले बाल नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो तुम्हें ये वाले जो बाल हैं ऐसे, तो यहाँ पे आ रहे हैं, ये नीचे की तरफ आएंगे यहाँ से। तो इस तरीके से अपनी मूछें बनती है। अभी आते हैं नीचे वाले में जरा, तो इसको देखो, अगर रेफरेंस में देखो मैं, तो ऐसे बीच में ज्यादा है करते हुए रैंडम से, और फिर पीछे जा रहे हैं। तो सेम चीज़ मैं यहाँ जैसे मूंछों में किया था, बस बीच में थोड़े बड़े आ सकते हैं, ऐसे आ रहे हैं, ये थोड़ा आगे गया, ये बीच में थोड़ा ऊपर रहा, ये फिर एकदम थोड़े नीचे चले गए, ठीक है। अब लेफ्ट जाते जाते छोटे होंगे, राइट जाते जाते छोटे होंगे, तो यहाँ से ऐसे धीरे धीरे आ रहे आगे, ओके, और यहाँ से थोड़े धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं राइट साइड, एक आध दो आगे आ सकते हैं, यहाँ से एक आध आगे आ गया, ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है आगे पीछे हो। अब गलती क्या करोगे, कर्व सी शेप बनाने लग गए, मैंने कहा ऐसे लहरों के फॉर्म में जो आते हैं ना, वेव शेप में, ये इस तरीके से, तब जाके मजा आता है, ठीक है। तो ये बनाओ, देखना जरा, अब अपन क्या करते हैं, ये देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर भी आ रहे हैं, तो या तो अपन नीचे से ऊपर ला सकते हैं या ऊपर से नीचे, तो अपन दोनों कर सकते हैं। ये अपनी बॉर्डर है, ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ ले जाना स्टार्ट, मैंने क्या बोला रेंडम, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ थोड़े, जैसे मूछों की मूछों में करा था अपन ने, थोड़े रेंडम कर्व नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वही चीज तुम्हें करनी है। यहाँ ये किया, फिर सेम चीज यहाँ पे, ये देख सकते हो थोड़े ऐसे एक्स शेप में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े नीचे की तरफ। अब अपन जो नीचे जाने वाले थे वो हो गए अपने, अब अपन को क्या चाहिए, ऊपर जाने, तो ऊपर भी ऐसे नहीं है कि सी शेप बनाने लग गए एक सिंगल डायरेक्ट, ऐसे देखो वेव फॉर्म में आ रही है,
ऊपर तक नहीं लाने अभी, अभी अपन को दो तीन लेयर में होता है, ये फर्स्ट लेयर हो गई, सेकंड लेयर होगी, ऊपर वाली लेयर थर्ड कहलाएगी, ठीक है। तो ये थोड़े बड़े बना, एकदम जस्ट इसे टच नहीं करना है, लेकिन इतने भी छोटे नहीं कि एकदम पतले पतले, क्या कहते हैं, हाफ हाफ सेंटीमीटर के, मैं ये छोटा सा एरिया बता रहा हूँ अभी, और डायरेक्शन सबके ऊपर नहीं होगी, ठीक है। इसके ऊपर है, इसकी राइट साइड की तरफ है, इसकी लेफ्ट साइड की तरफ है, तुम गलती क्या करोगे, सबके ऊपर की तरफ बना दोगे। तो वही चीज मैं बोला, अभी ये जो मैं बना रहा हूँ ये ऊपर वाले हैं सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ से जो जाएंगे वो ऐसे थोड़े राइट की तरफ झुकते हुए आएंगे, ठीक है। सेम चीज यहाँ किया, बहुत ऐसे घने नहीं बनाने क्योंकि 10B वाली लेयर भी है। ये अपने हुए, अभी इससे जो आ रहे हैं बाकी के, देखो तो इधर लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं डायगनल में, ये जो आ रहे हैं ये से राइट की तरफ आ रहे हैं डायगनल, ठीक है। अब बस ये थर्ड लेयर, थर्ड लेयर देखो क्या है, थर्ड लेयर मेनली है ये हल्के हल्के बाल, तो वो हल्के हल्के बाल यहीं से आएंगे, ठीक है, थोड़े ऊपर ऊपर स्किन पे आ रहे हैं, यहाँ से बनाओगे। अब ऐसे नहीं कि ये लाइन खत्म हो गई तो इसके ऊपर से, इसके नीचे से भी ला सकते हैं, दूसरे से मिलते हुए, तभी मैंने बोला था थोड़े बड़े बना, ठीक है। ये धीरे धीरे कर्व हो के अपन की जो डायरेक्शन है वो आ रही है, ये ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं नॉर्मली, थोड़े देख सकते हो रेफरेंस में, एक आध वैसे अपनी यहाँ स्किन पे है या चेहरे पे आराम से, इस तरीके से। तो ये एक बेसिक तरीका होता है, बाकी अलग डायरेक्शन में जाती है उसको बनाने का, थोड़ा अलग तरीका होता है, बेस यही रहता है लेकिन वो डायरेक्शन कर्व्स जाते हैं। तो इतना करो आज के लिए, इतना काफी है।